बहुत समय पहले की बात है, किशनगंज नामक गांव में सपना अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सपना अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन सपना की माँ अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, अब हमारी सपना की उम्र शादी की हो गई। अच्छा सा लड़का देखकर हमें अपनी बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी नज़र में मेरे दोस्त का बेटा विकास है, मैं उसी से अपनी बेटी की शादी कराऊंगा और मेरे दोस्त की भी इच्छा है कि वह मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाए। सपना अपने माता पिता की बातें सुन लेती है। तभी सपना अपने माता पिता के पास जाती है और कहती है, क्यों माता पिताजी, मैं आपके ऊपर बोझ हूँ जो आप मेरी इतनी जल्दी शादी करना चाहते हैं। आपको पता है ना, मैं एक बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ। जब तक मेरा ये सपना पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। शादी के बाद किसी का सपना पूरा नहीं होता, बस सब चूल्हा चौका ही संभालती हैं। सपना की बातें सुनकर सपना के माता पिता सपना को बहुत समझाते हैं और उससे कहते हैं कि शादी के बाद भी वह अपने सपने को पूरा कर सकती है। सपना अपने माता पिता की बात मान लेती है और कुछ समय बाद सपना के विकास से शादी हो जाती है। सपना अपने ससुराल चली जाती है। सपना के ससुराल में सपना की एक नंद अंजू और सास कमला थी, जो बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। एक दिन सपना अपने रूम में डांस कर रही थी, तभी अंजू देख लेती है और अपनी माँ से आकर कहती है, मम्मी जी, आपको पता है हमारे घर की नई नवेली दुल्हन अपने रूम में डांस कर रही है। बर्तन तो क्या साफ करे, आपको तो बदचलन बहू मिली है, आपके हाथ से तो आपकी बहू निकल गई। क्या अंजू, तू सच कह रही है? अंजू की बातें सुनकर कमला आग बबूला हो जाती है और बहुत गुस्से में सपना को अपने पास बुलाती है। सपना कमला के पास आती है, तभी कमला सपना से कहती है, मैं इस घर में किसी नाचने वाली को नहीं लेकर आई, तुम्हें इज्जत से बहू बनाकर लेकर आई हूँ। तो आज के बाद मैं तुम्हें नाचते हुए ना देखूं, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात अच्छी तरह समझ लो। मगर माँ जी, डांस मेरा टैलेंट है, मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहती हूँ, मैं एक बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ। ये तुम्हारा जो भी डांस वांस का सपना था ना, इसे मायके में ही छोड़कर आ चुकी हो। अब तुम हमारे घर में हो, जैसा हम तुमसे कहेंगे तुम वैसा ही करोगी। अगर मम्मी जी ने तुम्हें दोबारा डांस करते देखा तो तुम्हें भैया भी माँ के कहर से नहीं बचा पाएंगे। अगर दिमाग से डांस का भूत उतर गया हो तो मेरे लिए एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आ, और चाय बनाने के बाद बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं उन्हें धो लेना और बर्तन भी साफ कर लेना। विकास को चिकन की बिरयानी बहुत पसंद है, चिकन की बिरयानी के साथ साथ मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी और साग बना देना, मैं चिकन नहीं खाती, चल यहाँ से। सपना रोते हुए काम करने चली जाती है। सपना को ऐसा लगता है जैसे कि उसका एक डांसर बनने का सपना टूट गया। सपना कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक सभी काम खत्म कर लेती है। सपना पूरे दिन काम में लगी रहती और जैसे ही अंजू और कमला अपने रूम में होती हैं तो उनसे छुपकर सपना डांस की प्रैक्टिस भी करती रहती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सपना न्यूज़पेपर पढ़ती है। अरे क्या, पास वाले गांव में डांस कंपटीशन होने वाला है। ये डांस कंपटीशन तो मेरे सपने को पूरा कर सकता है। मुझे मुंबई जाने का मौका मिल सकता है, मुझे विकास से बात करनी चाहिए। ऐसा सोचकर सपना विकास के पास जाती है और उससे कहती है, विकास, माँ जी मुझे डांस कंपटीशन में जाने की कभी परमिशन नहीं देंगी, प्लीज़ तुम मेरी मदद करो, मुझे पास वाले गांव में डांस कंपटीशन में जाना है। ठीक है तुम प्रैक्टिस करती रहो, मैं डांस कंपटीशन में तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा। सपना और विकास की बातें अंजू और कमला सुन लेती हैं। तभी कमला अंजू से कहती है, अंजू, इस नचनिया बहू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसने मेरे बेटे को भी अपने काबू में कर लिया, अब हमें जल्दी ही कुछ करना होगा वरना हमारा बेटा भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। मम्मी जी, मैं कहती हूँ
आप इसकी टांगे तोड़ दें, फिर देखना ये कैसे उस डांस कंपटीशन में जाती है। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत समझदार होगी। अब देख अंजू, मैं इस नचनिया को कैसा सबक सिखाती हूँ। नाचना तो क्या, चलना भी भूल जाएगी। मनहूस। ऐसा कहकर कमला अंजू के साथ एक प्लान बना लेती है। कुछ समय बाद कमला सपना को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, सपना बहू, जो कपड़े धोकर तुमने डाले थे छत से उन्हें उतार के ले आओ, बारिश आने वाली है, कहीं कपड़े गीले ना हो जाएं। सपना कमला के कहने पर छत से कपड़े उतारने चली जाती है, लेकिन सपना इस बात से बेखबर थी कि उसके साथ क्या अनहोनी होने वाली है। जैसे ही सपना कपड़े उतार रही थी, तभी पीछे से आकर अंजू सपना को धक्का दे देती है। सपना नीचे गिर जाती है। तभी विकास आ जाता है और सपना को हॉस्पिटल ले जाता है। सपना को जब होश आता है तो सपना को पता चलता है कि ऊपर से नीचे गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट गए हैं, जिसकी वजह से उसे अब व्हीलचेयर पर रहना पड़ेगा। सपना बहुत रोती है। ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे दोनों ही पैर टूट गए, अब मैं डांस कंपटीशन में नहीं जा सकती, मेरा सपना टूट गया। मैंने माता पिताजी से मना किया था मुझे शादी वादी नहीं करनी, फिर भी उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी की। अब मैं अपना सपना कैसे पूरा करूंगी, अब मैं अपनी जिंदगी में कभी चल भी नहीं पाऊंगी और ना ही कभी डांस कर पाऊंगी। डांस तो मेरी जिंदगी थी, अब मैं कैसे जी पाऊंगी बिना डांस किए। ऐसा कहकर सपना बहुत रो रही थी। तभी सपना से मिलने हॉस्पिटल उसकी माँ आती है। उसकी माँ को भी सपना की यह हालत देखकर बहुत दुख होता है। सपना अपनी माँ को बता देती है कि अंजू ने उसे छत से धक्का दिया था। तभी सपना की माँ कहती है, सपना मेरी गुड़िया रानी, मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी शादी ऐसे जालिम घर में नहीं करनी चाहिए थी। तेरी सास और ननंद नहीं चाहती थी कि तू डांस कंपटीशन में जाए, इसलिए उन्होंने तुझे छत से धक्का दिया। मगर मेरी बेटी, तू डांस कंपटीशन में जरूर जाएगी और देखना उस डांस कंपटीशन को तू ही जीत कर आएगी। नहीं माँ, अब मैं डांस कभी नहीं कर सकती, आपको पता नहीं मेरे दोनों पैर टूट चुके हैं। मैं तुझे एक जादू सैंडल के कुएं के बारे में बताती हूँ। ये जादू सैंडल का कुआ बहुत ही ज्यादा पुराना है, मेरी दादी ने इसके बारे में मुझे बताया था। ये अच्छे लोगों की मदद करता है, तो उस जादू सैंडल के कुएं से जादू सैंडल मांगना। देखना मेरी बच्ची, जादू सैंडल का कुआ तेरी मदद जरूर करेगा। सपना अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आ जाती है। कुछ समय बाद सपना खुशी खुशी उस जादू सैंडल के कुएं के पास जाती है और उससे कहती है, ए जादू सैंडल के कुएं, मुझे जादू सैंडल चाहिए। मेरी सास और ननंद ने मुझे डांस कंपटीशन से रोकने के लिए छत से गिरा दिया, जिसकी वजह से मेरे दोनों पैर टूट गए, लेकिन मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ, अगर किसी के इरादे मजबूत हों तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। सपना, तुम्हारे इरादे बहुत मजबूत हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। मैं तुम्हें जादुई सैंडल के कुएं से एक जादुई सैंडल देता हूँ, तुम वह जादुई सैंडल पहन लेना, तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और तुम डांस कंपटीशन में जा पाओगी। जादुई सैंडल के कुएं से बहुत ही ज्यादा सुंदर सैंडल निकलकर आती हैं, जिन्हें देखकर सपना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें पहन लेती है। सपना के पैर जादुई सैंडल पहनकर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वह बहुत खुशी खुशी डांस कंपटीशन में चली जाती है। सपना डांस कंपटीशन में जाकर बहुत ही अच्छा डांस करती है, जिसकी वजह से सपना ही डांस कंपटीशन की विनर बनती है। कमला और अंजू को नहीं पता था कि सपना डांस कंपटीशन में जा चुकी है और विनर भी बन चुकी है। तभी एक पड़ोसन आती है और कमला से कहती है, अरे वाह कमला बहन जी, आपकी बहू ने तो कमाल ही कर दिया, दूसरे गांव में जाकर हमारे गांव का नाम रोशन किया है। आपकी बहू ने तो इतना अच्छा डांस किया, अच्छे अच्छे डांसरों को फेल कर दिया। आपकी बहू लाखों में एक है, लाखों में एक। देवयानी, तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता नहीं मेरी बहू के पैर टूट चुके हैं, वो डांस कैसे कर सकती है।
हाँ हाँ बुआ जी, आपको जरूर गलतफहमी हुई है, भाभी डांस वांस नहीं कर सकती, वो तो अपने मायके में है। तभी सपना के माता पिता पुलिस के साथ सपना की ससुराल आ जाते हैं, जिसे देखकर कमला और अंजू घबरा जाती हैं। सपना की माँ पुलिस से कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों माँ बेटियों को गिरफ्तार कर लो, इन्होंने मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की। इंस्पेक्टर कमला और अंजू को गिरफ्तार करने ही वाला था, तभी सपना घर आ जाती है और कहती है, नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी सास और ननंद को गिरफ्तार मत कीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी सास और ननंद जेल में जाएं, मैंने इन्हें माफ कर दिया। इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। तभी कमला और अंजू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। कमला और अंजू सपना से माफी मांगती हैं और कहती हैं, सपना मेरी प्यारी बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारे डांस को हमेशा गलत समझती थी और इसलिए मैंने तुम्हें छत से नीचे गिराया, मुझे माफ कर दो, तुमने हमारी इतनी बड़ी गलती के लिए हमें माफ कर दिया, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, आज तुमने हमें पुलिस से बचाया, तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई, धन्य। हाँ हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपके साथ बहुत गलत किया, मगर शायद हम भूल गए थे, जिनके सपने चट्टान की तरह मजबूत होते हैं उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। सपना कमला और अंजू की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और अपनी सास और ननंद को माफ कर देती है। इसी तरह सपना जादुई सैंडल के कुएं की मदद से अपने ससुराल में बहुत खुशी खुशी जीवन बिताती है और एक दिन बहुत बड़ी डांसर बन जाती है, जिसे देखकर कमला और अंजू भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं।